हर वर्ष की बात ही लोहड़ी का त्यौहार बड़े धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ऐसे ही हम तेजगढ़ी चौराहे पे खड़े हैं, जहां मूंगफलियों और रेवड़ी और पॉपकॉर्न की बाजार सजे हुए हैं। आज की बिक्री इस बार हो रही है, क्योंकि कोरोना लहर को देखते हुए इस बार भी तीसरी लहर को देखते हुए दुकानदारी लोग हो रही है नहीं। इस बाज़ार में जो दुकानदार आए हुए हैं उनसे ही बात करेंगे हम कि इस बार दुकानदारी में उनकी कितना इजाफा रहा है, क्योंकि हर वर्ष की भांति ये लोहड़ी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे ही हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इस बार दुकानदारी में उनकी कितना इजाफा रहा है। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, जो आप कहाँ से आए हो? मुरादाबाद से रहने वाले। तो इस बार जो कोरोना लहर को देखते हुए लोहड़ी का त्यौहार भी है, क्या दुकानदारी में इजाफा हुआ है आपकी? क्या फायदा, आज से कल से त्यौहार शुरू हो रहा है, दो दिन का त्यौहार होता है, 13 तारीख और 14 तारीख जी, इसके वजह से ये मार्केट। अच्छा, बिक्री कुछ दुकानदारी बढ़ी है, कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? जी, दुकानदारी तो बढ़ती है, दो दिनों में ज़्यादा होती है। अच्छा, त्यौहार होता है। तो आपको बता दें, दुकानदार हैं हमारे साथ, उन्होंने बताया कि अभी त्यौहार कल है, तो दुकानदारी का जो है इजाफा होगा और उन्हें बड़ी उम्मीद है इस बार कि दुकानदारी उनकी बढ़िया रहेगी। हमारे साथ और मौजूद हैं, क्या नाम है भाई आपका? आसिफ। आसिफ भाई, क्या दुकानदारी हो रही है इस बार लोहड़ी की? अभी हल्की है। साथ एक दुकानदार और मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं इस बार उनकी दुकानदारी में क्या जा पा रहा है। क्या नाम है भाई आपका? आशु जी, क्या इस बार लोहड़ी कल है, लोहड़ी उसमें क्या दुकानदारी में आपकी क्या जा पा रहा है? बिक्री बिक्री हो रही है नहीं? सर, बढ़िया बिक्री हो रही है। अच्छा, रेवड़ी की खाली मूंगफली की क्या? सर, दोनों की बढ़िया, दोनों की बढ़िया हो रही है। आशु भाई का कहना है कि दुकानदारी इस टाइम सही हो रही है मूंगफली की। चंदवाणी न्यूज़ से विकास गुप्ता, मेरठ।